प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी के विशेष संदर्भ में राजपूत सैन्य संगठन, हथियार प्रणाली एवं युद्ध कला। ठीक है, इसमें हम लोग देखा जाए तो पानीपत का युद्ध में एक पक्ष जैसे बाबर था, वैसे ही खानवा के युद्ध में भी एक पक्ष बाबर ही था। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा कर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में, अर्थात पानीपत के जस्ट एक वर्ष बाद खानवा के युद्ध में, इसने उस समय चित्तौड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। चित्तौड़ और मेवाड़ के राजा राणा सांगा और राणा संग्राम सिंह को पराजित किया था। ये लड़ाई एक प्रकार से वही हो सकती है कि एक जंगल में दो सिंह नहीं रह सकते, इसी वर्चस्व की लड़ाई के लिए वर्चस्व के स्थापना के लिए यह खानवा का युद्ध अपरिहार्य सा हो गया था कि जरूरी भी हो गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे, जैसे देखा जाए तो पानीपत के युद्ध में हम लोगों ने मुगल सैन्य प्रणाली पढ़ी थी। ठीक है, अब खानवा के युद्ध के विशेष संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे राजपूतों की सैन्य प्रणाली, क्योंकि बाबर की सैन्य प्रणाली जो पानीपत में थी लगभग वही प्रणाली, वही युद्ध कला सेम इसने अपनाया था खानवा के युद्ध में भी। वही तुलगमा समरतंत्र, वही गाड़ियों और जो है बैलगाड़ियों से अपने आप को सुरक्षित रखना, तो ये सारी नीतियाँ पानीपत में जो अपनाई थी उसने, वही नीतियाँ इसमें भी अपनाई, और अंतर भी लगभग सेम वही था मित्रों की। बाबर के पास अगर तोपखाना था तो इब्राहिम लोदी के पास हाथियां थी पानीपत के मैदान में। उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं कि बाबर के पास अगर तोपखाना था तो राणा सांगा के पास भी एक्स्ट्रा में हाथियों की सेना थी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। बाकी बाबर की युद्ध नीति, युद्ध कला, सैन्य प्रणाली सेम वही थी जो पानीपत के युद्ध में थी। ठीक, चलिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले युद्ध पढ़ेंगे, उसके बाद युद्ध में, युद्ध के बाद जो है खानवा का युद्ध पहले पढ़ेंगे, फिर खानवा युद्ध के बाद जो है हम राजपूतों की सैन्य प्रणाली, युद्ध कला, हथियार, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, खानवा का संग्राम, इसका परिचय हम लोग देख लेते हैं पार्ट में। ये बाबर और राणा सांगा उर्फ राणा संग्राम सिंह के बीच में हुआ था, विजेता इसमें बाबर था। बाबर की रणनीति वही पानीपत के समान तुलगमा समरतंत्र वही था। खानवा कहाँ पे है? आगरा से 60 किलोमीटर दूर पश्चिम में एक गांव है जो कि फतेहपुर सीकरी से कुछ ही मील की दूरी पर है। राणा सांगा का जो सिंहासनारोहण हुआ था वो 1509 में हुआ था। जैसे ही सिंहासनारोहण इनका हुआ, वैसे ही राणा सांगा ने अपने प्रभाव की वृद्धि हेतु प्रयास करना शुरू कर दिया। हालांकि राणा सांगा बहादुर तो थे, वैसे भी माना जाता है कि इनके शरीर में लगभग 60 से 70-80 घाव थे जो कि इनकी बहादुरी का परिचायक था। पड़ोसी एवं दूर दूर तक के राजाओं ने राणा सांगा के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच कई युद्ध हुए थे, यानी बाबर जब नहीं आया था दिल्ली पर, इब्राहिम लोदी का शासन था, तो उस समय तक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में कई युद्ध हुए थे और हर युद्धों में राणा सांगा विजयी रहे थे। ठीक है, हालांकि दिल्ली पर अधिकार तो नहीं कर पाए थे, लेकिन हर युद्धों में इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक, राणा सांगा के प्रभाव में उस समय वृद्धि तो होती ही रही, काफ़ी हद तक वृद्धि हो भी चुकी थी, राणा सांगा भी एक प्रकार का सिंह था। ठीक, इधर बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत में हरा कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त तो कर लिया, लेकिन उसमें अस्थायित्व तो नहीं था। वैसे देखा जाए तो हमें लगता है पहले जो है राजा राणा संग्राम सिंह ने यही सोचा था कि अन्य जो है लुटेरों की तरह, लुटेरे राजाओं की तरह बाबर भी आएगा दिल्ली में, दिल्ली फत्ता को उखाड़ेगा, दिल्ली सल्तनत को उखाड़ेगा और लूटपाट करके चला जाएगा। लेकिन जब बाबर यहाँ पर जम गया, बाबर ने नए राजवंश की स्थापना कर ली और यहाँ पर रहने का मूड, यानी राज्य करने का मूड बना लिया, तो यहीं पर शुरू हो गई दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि एक जंगल में दो फेर नहीं हो सकते। इधर बाबर ने किया क्या? इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत में हराकर सिंहासन तो प्राप्त कर लिया दिल्ली का, लेकिन अस्थायित्व तो नहीं था। बाबर के लिए आवश्यक था कि भारत में पांव जमाने के लिए राणा सांगा पर भी विजय प्राप्त करना, क्योंकि राणा सांगा के भी प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी और वो भी अपने आप को किसी सिंह से कम नहीं समझते थे। ठीक, हालांकि सिंह तो था ही राणा सांगा। ठीक, बाबर ने अपनी राजधानी
आगरा को बनाया। ठीक, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए दोनों के लिए खानवा का युद्ध अपरिहार्य हो गया, यानी कि जरूरी हो गया था। एक दूसरे में कोई एक ना तो एक दूसरे से कोई कम था, यानी एक प्रकार से जैसे हमने बताया ना आपको, एक जंगल में दो सिंह नहीं रह सकते, वही कंडीशन इस समय भारत की भी थी। इधर बाबर के दिल्ली अधिपत्य को राणा सांगा सहन नहीं कर सके और हिंदू मुस्लिम शासकों की मिलीजुली सेना लेकर उसके बयाना के किले को घेर लिया। बयाना नामक स्थान पर उसका जो किला था, एक प्रकार से बाबर को लड़ने के लिए उकसाने वाली कार्रवाई थी, जो उसके किले को उन्होंने घेर लिया कि किले को छुड़ाने के लिए जब बाबर आएगा तो उससे आराम से उससे फाइनल युद्ध हो जाएगा, या तो बाबर ही रहेगा या तो राणा सांगा ही रहेगा। ठीक, इस किले की सुरक्षा के लिए बाबर द्वारा जितनी भी सैन्य टुकड़ियाँ भेजी गईं, उन सबको किसी को सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो सफलता ना मिलते देखकर 16 फरवरी 1527 को बाबर स्वयं राणा सांगा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और फीकरी गांव के पास अपना शिविर लगा दिया। उधर राणा सांगा, इन्होंने भी जब देखा कि बाबर युद्ध करने के लिए आ रहा है तो इन्होंने भी बयाना से अपना घेरा उठाया, यानी जो किले को घेर कर रखे हुए थे किले को, चूँकि अब लड़ाई करना है भाई, बाकी जीतने के बाद तो किला अपना हो ही जाएगा, इससे अच्छा है पहले लड़ाई ही कर लिया जाए, किले को घेर कर काहे अपनी ताकत बर्बाद करेंगे। ठीक, उधर राणा सांगा ने जब सुना कि बाबर आक्रमण करने के लिए आ रहा है युद्ध के लिए, तो इन्होंने भी बयाना के किले से घेरा अपना उठाया और बाबर से युद्ध करने के लिए आगरा की ओर चल दिए। ठीक, और खानवा के निकट पहुंचकर अपना पड़ाव डाल दिए। ठीक, तुलनात्मक सैन्य शक्ति एवं सामरिक रचना आप देख सकते हैं दोनों की इस प्रकार थी। सबसे पहले हम लोग बाबर की शक्ति का अध्ययन करेंगे, सामरिक रचना का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजपूतों की, राणा सांगा को। बाबर के पास उस समय 30,000 घुड़सवार सेना थी। अरे भाई, एक वर्ष तक राज किया था तो सैनिकों को तो बढ़ा ही लिया था, नहीं तो पानीपत के मैदान में तो 14,000 ही थे उसके पास, 12,000 बाबर के पास और क्या था, तोपखाना एवं बंदूकधारी सैनिक थे, बस कवच युक्त गाड़ियां मित्रों वही थी जो पानीपत के युद्धों में थी। ठीक, सामरिक रचना, इन्होंने सबसे आगे खाइयां जैसे इन्होंने पानीपत के युद्ध में अपनाया था, ठीक है, अवरोध के रूप में कि सबसे आगे खाई खोद दिया जाए। ठीक, अवरोध अपनी सुरक्षा के लिए अवरोध, उसके पीछे क्रमशः पानीपत के समान बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांधकर और बीच में कुछ खाली स्थान को छोड़ दिया था। अंतर यही था कि बीच में जो खाली स्थान छोड़ा गया था इसमें कम था। ठीक, गाड़ियों के पीछे तिपाइयों पर बंदूकों एवं तोपों को लगाया था। खाइयों एवं गाड़ियों के बीच 40 गज का स्थान खुला छोड़ दिया गया था, ठीक, या कि अपनी सेना आक्रमण कर सके। 40 गज का स्थान मित्रों, उसमें 100 गज का स्थान छोड़ा गया था, इसमें 40 गज का स्थान छोड़ा इन्होंने। ठीक, सेना का विभाजन बिल्कुल पानीपत के समान ही किए थे, आप देख सकते हैं। अंतर ये था कि पानीपत के मैदान में अग्रदल होता था, लेकिन यहाँ पर उसमें 8 भागों को उन्होंने बांटा था पानीपत के मैदान में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेना का विभाजन मात्र 7 भागों में किया था, जिसमें सब वही चीज़ें हैं, दाया पक्ष बाया पक्ष, दाएं टर्निंग पार्टी वही तुलगमा दल, बाएं टर्निंग पार्टी या तुलगमा दल, दाया पक्ष दाया मध्य बाया मध्य और रिजर्व। ठीक है, उसमें मित्रों केवल अग्रदल अधिक था, बाकी सेम विभाजन उसी तरह था जैसा कि पानीपत के मैदान में बाबर ने किया था। अब देख सकते हैं राजपूतों के बारे में, राजपूतों की सेना कितनी थी, लगभग 1,00,000 पैदल और घुड़सवारों को मिलाकर सेना 1,00,000 मित्रों, यही संख्या लगभग इब्राहिम लोदी की भी थी। एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे पानीपत के ही मैदान को एक बार फिर से दोहरा दिया गया। ठीक, 1,000 हाथी थे, तोपें एवं बंदूकें नहीं थी मित्रों, वही कंडीशन थी, केवल हाथी के बदले तोपखाना। ठीक, चलिए सामरिक रचना किस प्रकार थी इनकी, राजपूतों की या राणा सांगा की, इन्होंने सबसे आगे हाथियों को खड़ा किया, उसके पीछे अग्रदल, बाजुओं पर घुड़सवार सेना, मध्य में पैदल सैनिक, इसमें आरक्षित सेना या रिजर्व दल नहीं होता था राजपूतों की सेना में, था भी नहीं, होता भी नहीं था वैसे भी, क्योंकि राजपूत अपनी सारी शक्ति का प्रयोग एक साथ ही करते थे। ठीक है, अब युद्ध योजना हम देख सकते हैं, बाबर की युद्ध योजना इस प्रकार थी, देख सकते हैं बाबर क्या चाहता था, बस वही
सुरक्षा व्यवस्था से निकलना नहीं चाहता था बाबर, अपने सुरक्षा पंक्तियों से लाभ लेना था, तो वही युद्ध कला अपनाया। जैसे वो चाहता था कि पानीपत के मैदान में पहले इब्राहिम लोदी आक्रमण करे, तो वैसे यहाँ भी वही सोचा इसने। बाबर की योजना थी कि राजपूत पहले आक्रमण करें। जब राजपूत आक्रमण करेंगे तो पहली बात तो सामने से तोपों एवं बंदूकों का फायर करके उस आक्रमण को विफल कर दिया जाएगा, यानी कुछ आतंकित कर दिया जाएगा। तोपों की आवाज़ से कुछ सैनिक भी आतंकित होंगे, हाथियां भी आतंकित होंगी, और जो है अगर हाथियां कहीं पलट कर अपनों को ही नष्ट करना शुरू कर दी तब भी ठीक है। चलिए ठीक है, फिलहाल जैसा भी था उसने जो है रणनीति वही बनाई। लेकिन इब्राहिम लोदी जैसे इस बार जो है, इब्राहिम लोदी तो मान लीजिए थोड़ा से अनुभवहीन था, लेकिन राणा सांगा को युद्धों का अच्छा अनुभव था, काफ़ी अच्छा अनुभव था, बाबर के ही समान लगभग अनुभव था, इसलिए उन्होंने वो गलतियां नहीं की जो इब्राहिम लोदी ने किया था। ठीक है, चलिए देखा जाए तो सामने से तोपों एवं बंदूकों का फायर करके उसे विफल किया जाएगा। और अब राजपूतों के थक जाने एवं तोपों की मार से आहत होने पर सामने से गाड़ियों के मध्य छोड़े गए स्थान से होकर सामने से राजपूतों पर आक्रमण करना। ठीक है, यानी जब पहले बंदूकों के और बंदूकों तोपों तीरों के मार से जब आहत हो जाएंगे और तब जो है सामने से आक्रमण करने की बाबर की योजना थी, और इसी के बीच में दाएं और बाएं तुलगमा दल उसी तरह घेरेंगे जाकर जैसे उन्होंने इब्राहिम लोदी को घेरा था चक्कर काट कर, और इसके साथ ही दाएं और बाएं तुलगमा दलों द्वारा राजपूतों से की सेना को बाएं सेना को बाजुओं से होकर पीछे से घेर कर नष्ट करना, वही तरीका इन्होंने अपनाया था। ठीक, अब वहाँ पर तो इब्राहिम लोदी ने कोई योजना नहीं बनाया, डायरेक्ट जो है 3 घंटे में 4 मील की दूरी तय की थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो बाबर ने अपनी योजना अलग बना के रखा था, इधर राणा सांगा की भी योजना इस प्रकार थी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले किसी एक बाजू पर आक्रमण करते हुए मुगलों की सेना में प्रवेश किया जाए तथा उसके घेरते हुए उसके पृष्ठभाग तक पहुँचा जाए, यानी एक तरफ एक बाजू पर आक्रमण किया जाए और घेरते हुए पीछे तक पहुँच जाया जाए, ऐसा जो है राणा सांगा की योजना थी। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मित्रों युद्ध का घटनाक्रम, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो मित्रों आप लोग सुनने में उबने लगते हैं, बल्कि वीडियो को छोटा ही रखा जाए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है अपने मित्रों से, अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंटों से, मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, लाइक भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।